आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइटरूम सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे डेवलप मॉड्यूल। डेवलप मॉड्यूल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। डेवलप मॉड्यूल वो मेन मॉड्यूल है जिसमें एडिटिंग होती है। इसमें हम जूम एडजस्ट कर सकते हैं, जो की एडिटिंग के काम आता है जब हम टोनल एडिटिंग करते हैं, वो यहाँ से नेविगेटर बार से। लाइटरूम में हम एडजस्ट कर सकते हैं बेसिक सेटिंग्स, टोन कर्व्स, HSL, कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, स्प्लिट टोनिंग, डिटेल। लेंस करेक्शन में हम क्रोमैटिक एब्रेशन निकाल सकते हैं। इफेक्ट में हम दे सकते हैं उसे विनियट। बेसिक में हमारे पास है एक्सपोजर की सेटिंग, हाइलाइट्स, शैडोज, व्हाइट्स, ब्लैक्स, क्लैरिटी, वाइब्रेंस। आइए हम करते हैं इस इमेज की बेसिक टोनल एडिटिंग। काफी अंडर एक्सपोज्ड इमेज है, मैं इसका थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ तब हिस्टोग्राम में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब हम बढ़ाएंगे इसका एक्सपोजर। अभी हम हाइलाइट्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं। शैडोज को हम थोड़ा ब्राइटन करेंगे। ओके, व्हाइट्स को करेंगे कम, ब्लैक्स को भी करेंगे कम। दोस्तों याद रखो, जब हम ब्लैक्स कम करते हैं तभी हमारे इमेज में काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। अभी हम एडजस्ट करते हैं इसका व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एकदम बेस्ट टूल है, जो है व्हाइट बैलेंस ड्रॉपर टूल। इस ड्रॉपर टूल से आपके इमेज में जहां कहीं भी व्हाइट कलर हो उस पर क्लिक कीजिए तो आपका जो व्हाइट बैलेंस है मैजिकली करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया व्हाइट बैलेंस करेक्ट, और इसकी जो टोनल एडिटिंग है, जो बेसिक एडिटिंग है, वो हमने कर दी है। आप देख सकते हो इमेज क्या थी और अब क्या बन गई है। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हिस्ट्री बार है इससे हम एडिटिंग के कोई भी स्टेप तक पीछे जा सकते हैं। ये इमेज तो बराबर लग रही है पर जब हम इसे जूम करते हैं तभी हमें दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे धब्बे, ये है ग्रेन्स या फिर नॉइज। चलो ग्रेन्स और नॉइज को भी रिड्यूस करते हैं। ग्रेन्स और नॉइज को रिड्यूस करने के लिए डिटेल में जाकर हम करेंगे इसको रिड्यूस। ये रहा नॉइज रिडक्शन टूल, मैं उसके नोज पे थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि मुझे थोड़ी डिटेल्स दिखे उसके नॉइज रिडक्शन के। नॉइज तो रिड्यूस हो गया पर थोड़े डिटेल्स हमें चाहिए। हम इमेज को थोड़ा शार्पन भी करेंगे। ये हो गया नॉइज रिड्यूस। मैं आपको दिखाता हूं इसका नॉइज कितना रिड्यूस हो गया है। हम जाएंगे हिस्ट्री से बैक 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 बैक। अब हम सेकेंड इमेज एडिट करते हैं। ओके, ये इमेज भी थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड है, मैं थोड़ा इसका एक्सपोजर बढ़ा दूंगा। थोड़े हाइलाइट्स कम, थोड़े शैडोज ज्यादा, व्हाइट्स कम, ब्लैक्स कम। ओके, देखिए कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिला है। ओके, व्हाइट बैलेंस टूल, थोड़ा एक्सपोजर मैं बढ़ा दूंगा। अब वो इमेजेस एडिट करते हैं जिसको हमने दिए थे 2 स्टार। ओके, हाइलाइट्स थोड़े कम, मैं शैडोज को भी थोड़ा ओपन करता हूं, व्हाइट्स को थोड़ा डार्कन करता हूं, ब्लैक्स को भी थोड़ा डार्कन करता हूं, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाऊंगा। क्रॉप ओवरले की मदद से हम इस इमेज को काफी अच्छा कंपोजिशन भी दे सकते हैं। मैं इसका थोड़ा वाइब्रेंस भी बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा सैचुरेशन। देखो हम इसको कंपोज कर सकते हैं 1/3 में। ओके, नेक्स्ट इमेज टू एडिट। दोस्तों आपके लिए एक टिप है, अगर आपने एक्सपोजर जो नाम लिखा है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया तो आपका जो वो स्लाइडर है वो प्रीसेट हो जाएगा।
ओके क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्लैरिटी बेसिकली एजेस को शार्प कर देता है। ओके अब एडिट करते हैं 5-star रेटेड इमेजेस, हाइलाइट्स थोड़े कम, शेडोज थोड़े ज्यादा। हमारा प्यारा व्हाइट बैलेंस टूल, ये जो इमेज है ये काफी अंडर एक्सपोज्ड है, देखो इसको कैसे हम चेंज करते हैं मैजिकली। एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा हम कम कर देंगे, शैडोज को फिर से थोड़ा ओपन करेंगे, व्हाइट्स को कम करेंगे, ब्लैक्स को कम करेंगे, क्लैरिटी में अब इस इमेज की थोड़ी बढ़ाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज में एक कलर कास्ट है, वो कलर कास्ट हमें निकालना है। ये कलर कास्ट हम निकालेंगे HSL के मदद से, HSL यानी ह्यू सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, इसके मदद से हम किसी भी कलर का जो सैचुरेशन है वो कम कर सकते हैं। ओके मैं इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कूल कर दूंगा, इसमें थोड़ा ज्यादा मजेंटा है इसलिए मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा ज्यादा ग्रीन। ओके ओह इसमें कितना शोर है यानी नॉइज है, चलो इसे रिड्यूस करते हैं। ओके अब हम जाते हैं HSL बार पे। ओके रेड कलर को थोड़ा कम कर दिया, मजेंटा कम किया, पर्पल कम किया, देखो ये कलर था पर्पल कलर, इसमें पर्पल कलर की थोड़ी कास्ट थी। ओके आपने अभी देखा हमने कैसे इस कलर कास्ट को रिमूव किया है। ओके थोड़ा बेसिक और एडिटिंग, क्लैरिटी को जरूर बढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की इमेज कितनी ज्यादा डिफरेंट है, ये सब कमाल है लाइट रूम का। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसके बारे में आप कमेंट्स में जो हमें जरूर बताइए और हमें नए नए वीडियोस का सजेशन भी देते रहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए ला सकते हैं।